कल रात में अगर जो मैं एस लगा देता तो मेरा कॉन्करर आज सुबह में हो जाता, लेकिन गाइस कल मेरा क्राउन 1+ पॉइंट पे अटक गया था और 6 घंटे का लिमिट खत्म हो चुका था। तो यार आज सुबह में मैंने जो स्टार्ट किया रैंक पुश करना, तो यहाँ पे गाइस आ चुका था अपना एस के ऊपर 45 पॉइंट्स और गाइस रैंक हो चुकी थी 175। और ये अलग एम्प्ले गाइस जो है सर्वाइवल के ऊपर होने वाला है, तो जितने भी रैंक पुशर्स हैं ये अलग एम्प्ले पूरा देखना ताकि यार आपको आइडिया है कैसे रैंक पुश करते क्राउन से। सो चलो गाइस आज की गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे जैसे गाइस आप लोग का रैंक टियर मतलब बढ़ता जाएगा ना, आपको जैसे यार आपका क्राउन 3 या क्राउन 2 या फिर क्राउन 1 ऐसा लगेगा ना गाइस जैसे टियर आपका, तो वहीं से आपको दिक्कत होने लग जाएगी प्लस का। लाइक प्लस आपको ना मिलता भी है ना तो चुन चुन के मिलता है। हाँ, अगर जो आपके पास में किल्स हैं तो वहाँ पे एक एडवांटेज है कि यार आपको अच्छा प्लस उस लॉबी में मिल जाएगा। प्लस गाइस सर्वाइवल भी बहुत मैटर करता है। सर्वाइवल जैसे जैसे आपका अच्छा रहेगा लाइक टॉप 5 या फिर चिकन डिनर या टॉप 10, तो उस टाइम पे यार किल के साथ में आप ये चीज़ करोगे ना तो अच्छा प्लस मिलेगा। तो यार ये चीज़ें ना मैं एक्सपीरियंस कर चुका स्ट्रीम पे आज, और जिस लेवल पे गाइस मतलब कि क्राउन 1 की टियर वाली जो लॉबी है ना वहाँ पे जो प्लस मिलता ना मतलब कि रो दोगे आप। हाँ, अगर जो आपका सर्वाइवल नहीं अच्छा खासा टॉप 5 टॉप 10 नहीं है और चिकन डिनर अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और किल्स उसके साथ साथ चाहिए गाइस। 2-3 किल्स पे अगर जो आप टॉप 10 निकाल लेते हो ना गाइस, तो वहाँ पे आपको ना बहुत मुश्किल से 15 प्लस मिल जाएगा, वो भी इतने हाई टियर पे गाइस। अब सोचो गाइस कि जैसे जैसे आपका टियर जैसे जैसे ऊपर आएगा आपको किल्स नहीं मिलेंगे, आपका टॉप 10 नहीं होगा तो यार प्लस नहीं मिलेगा उस लेवल का, और आपका कॉन्करर भी उतना ही स्लो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी गाइस अगर तो फॉलो करते हो, लाइक अगर जो आउट ऑफ जोन रहते हो और जोन में गाइस इस टाइम पे आपको एंट्री करना है, बट हैकर अगर जो रहा गाइस तो उसका रिस्क लेना पड़ेगा। हैकर का जो स्पॉट हुआ मार सकता है आपको, उससे पहले गाइस देखो कवर में बस सिंपल एक कुछ भी करके कवर पकड़ना आपको। जोन में एंट्री किया फट से कवर पकड़ो, और जोन में यार देखो जैसे जोन में एंट्री करता है ना हेल्थ पहले फुल कर लो और थोड़ा सा कवर ले लो। यहाँ पे गाड़ी मेरी ठुक जाती है, फिलहाल मैं यहाँ पे हेल्थ लगा लेता हूँ, और जो जो पे एक बंदा रहता है फिलहाल मैं हेल्थ कवर करता हूँ, और यार मुझे बंदा स्पॉट भी होता है तो उस बंदे को मैं एक बार एडीएस खोल के देखता हूँ। लेकिन बंदा जो था वो कवर में था, उसने मुझे देख रखा था शायद से, तो मैं सोचता मेरी व्हीकल का टायर वायर फोड़ देगा, तो यहाँ पर रिस्क लेना सही नहीं रहेगा, तो मैं जोन के लिए चल देता हूँ। क्योंकि जोन में जल्दी नहीं गया ना तो यार पोजीशन मिलना भाई मतलब उतना ही टफ हो जाएगा जितना कि यार मतलब जोन में एंट्री करना। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है कि अब यहाँ से मैं निकल लेता हूँ और इस बंदे को इग्नोर करता हूँ। ओपन में यार ज़्यादातर चांसेस होता है कि पड़ जाएगा कहीं से भी थर्ड पार्टी या फिर कहीं ना कहीं से पड़ जाती है, और गाड़ी का टायर फट गया था और व्हीकल का आपको पता बगी का कितना गंदा सीन हो जाता है, और एक बार गाड़ी गई हाथ से तो आपके तो ऐसे ही लग गए। तो फिलहाल गाइस मैं जोन के अंदर एंट्री कर लेता हूँ और आ जाता हूँ मैं पास वाले ड्रॉप पे। जस्ट ड्रॉप गिरा हुआ था लेकिन मुझे डाउट था कि ये सामने वाले कंपाउंड में बंदा होगा, बंदे का साउंड आता है, स्प्रे भी लेता बंदा यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ वो बंदा मेरे पे मॉली ग्रेनेड को उससे पहले मैं एक ग्रेनेड कुक करके डाल दूँ ताकि वो बंदा अपने लोकेशन चेंज करे, ताकि वो कैंसिल कर दे जो भी कर रहा है वो, और मैं गाड़ी उठा के निकल लेता उतने में। तो जैसे मेरे ग्रेनेड जाते कंपाउंड में मेरे को टाइम मिल जाता बंदा फॉल बैक ले लेता, उतने टाइम में गाइस मैं व्हीकल उठा के चल देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ जोन को, व्हाइट लाइन को टच होने का वेट करता हूँ जोन के। तो जोन जैसे टच करे व्हाइट लाइन को उसके हिसाब से नेक्स्ट वाले जोन में गाइस पोजीशन निकालना है, तो यार बस थोड़ा वेट करने का, और उसके बाद में जैसे जोन व्हाइट लाइन को टच होता है जोन के बीचों बीच जाके कहीं ना कहीं शैक वैक जो भी मिलता है बस कवर ले लेंगे। अब मैं जोन के अंदर आ चुका था और छोटा सा शैक मुझे मिल जाता, ओपन था बट यार कोई नहीं अभी के लिए फिलहाल गाइस। ये बहुत ज़्यादा सही बेस्ट लोकेशन थी, और मैप देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा छोटा हो चुका सर्कल। अब यार यहाँ पे बैठा रहता हूँ, इतने में देखता हूँ किल फीड, लाइक यहाँ पे एक हैकर होता है जो वो बैन हो जाता है गाइस। यहाँ पे एक हैकर था लॉबी में, ये यार आगे मैटर कर सकता था लेकिन ये बैन हो चुका था। तो अब यार लेजिट प्लेयर के लिए थोड़ा सा राहत का माहौल हो चुका था क्योंकि हैकर जा चुका था लॉबी से। अब गाइस बैक टू बैक जोन जो था वो अपने भी बन रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पे टॉप 15 हो चुका था और बंदे बैक टू बैक मर जाते, और यहाँ पे यार मुझे किल अभी तक नहीं मिला था। फिलहाल एक बंदा मुझे स्पॉट होता वो भी यार कवर में चला जाता है। अब सामने साइड में एक गाड़ी आती है, तीसरे वाले बंदे को गाइस एक स्प्रे लेके निकाल देते गाड़ी से क्योंकि इतना क्लोज से एक गाड़ी गई और एक किल अब जाके मिला गाइस। तो फिलहाल यहाँ पे 2 किल्स हो चुके और टॉप 11 हो चुका है। अब थोड़ा और वेट करना है ताकि यार अपने को अच्छे से अच्छा प्लस मिल सके, और किल्स भी यार आगे जाके एक दो निकल गए तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत देने वाला जो बैक साइड में जो ब्लू हाउस में जो बंदा है, वो बंदा यार मेरे पे आ जाता है ग्रेनेड और मॉली ये सब ट्राई करता है, और जो होता है गाइस यहाँ पे अब देखो मैं कितना ओपन में फंस जाता हूँ। अब बंदे का फर्स्ट स्टेप आता है तो मुझे लगता है बंदा नेट या मॉली करेगा, तो मैं निकल लेता हूँ पहले तो बाहर। अब यहाँ पे एक मॉली आती है, उसके बाद से एक और मॉली। अब यार ये वाली मॉली से मैं जल जाता हूँ, और ये देखो यार स्मोक यहाँ पे फेंक देता हूँ, एक लास्ट स्मोक था क्योंकि लूट यार कुछ खास नहीं थी मेरे पे। अब एक और ग्रेनेड आता है गाइस लेकिन फटता है और मेरे बेड काफी डैमेज हो जाता हूँ गाइस। फिलहाल यहाँ पे बैक टू बैक ग्रेनेड आ रहे थे और मैं एक नेट किट लगाता हूँ। अब ओपन में पीछे से पड़ सकता था कहीं से भी, इसका टेंशन अलग से था। अब मैं वेट कर रहा था उस बंदे का ना मॉली या ग्रेनेड खत्म होने का।
तो मुझे लगता है मैं इस साइड में थोड़ा सा जाऊंगा तो यहाँ से मुझे स्पॉट होगा। लेकिन बंदा यार काफी कवर में था, अभी स्मोक हटने का वेट कर रहा था क्योंकि बंदे का लोकेशन नहीं पता था और बंदा भी क्लोजिंग करता है तो वहाँ पे यार थोड़ा दिक्कत हो सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे पड़ा रहता हूँ काफी टाइम तक। अब जोन भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था। अब मुझे बैक साइड से थोड़ा साउंड आता है व्हीकल के आने का और ये व्हीकल कुछ ज़्यादा ही पास में आती है तो मुझे लगता है एक स्प्रे लेना चाहिए, तो मैं एक स्प्रे लेता भी हूँ। अब ये डैसे वाला बंदा गाइस गलत ही पिट जाता है और यार ये वाला भी किल मेरे हाथ से निकल जाता है। अब जोन यार व्हाइट लाइन को टच होने वाला था और मैं शैक में आ जाता फट से। अब मेरे पे ग्रेनेड मॉली कुछ नहीं था तो बंदे पे क्या ही करता, फिलहाल यहाँ पे वेट करने के अलावा और कुछ नहीं था मेरे पास ऑप्शन। अब गाइस मेरी गन में देखो गाइस एमो कितनी है और सामने साइड में पेटी पड़ी है बट मैं लूट नहीं सकता क्योंकि राइट में जो बंदा है वो सामने साइड वाला बंदा वो मार सकता मुझे वहाँ से इजीली। अब यहाँ पे स्मोक तक नहीं है कि स्मोक करके मैं लूट लूँ थोड़ा सा। अब जोन भी स्टार्ट होने वाला था, जोन के अंदर जाना था, मैं आउट ऑफ जोन था और सामने साइड बंदे थे गाइस लेफ्ट में और सामने साइड राइट में। तो जैसे ही गाइस वो लेफ्ट वाला बंदा जो था ना स्मोक करके व्हीकल का साउंड जैसे मुझे आता है कि यार बंदा निकल रहा है तो मैं फट से आता हूँ और इस वाली पेटी को पहले तो लूटता हूँ। अब यहाँ पे पेटी लूट लेता हूँ और यहाँ पे एक ड्रिंक लगाता हूँ क्योंकि अब जो जोन में जाना था वहाँ पे यार फाइट होनी थी, डायरेक्टली फाइट होगी क्योंकि मुझे पता है यार सर्कल काफ़ी छोटा है और चार बंदे हैं, तीन बंदे सामने साइड जो है वो कहीं भी बैठ सकते हैं, मतलब कहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल ये जो ब्लू हाउस में जो बंदा था उसकी लोकेशन पता थी और जो दो बंदे थे उनकी एग्जैक्ट नहीं पता थी। तो जैसे सामने आता हूँ यहाँ पे देखता हूँ स्मोक हुआ है तो यहाँ पे एक बंदा था लेकिन थर्ड वाला बंदा कहाँ, नो आइडिया। फटाफट मैं पहले दो तीन स्मोक जो रहते हैं उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि जो जोन था वो स्टार्ट हो चुका था। अब राइट वाला बंदा बहुत मैटर करने वाला था मेरे पे क्योंकि वहाँ से स्प्रे लेके पूरा ओपन में मैं दिख रहा हूँ, लाइक अगर जो लेफ्ट साइड से जाता हूँ तो पूरा ओपनली वो मुझे स्पॉट करके निपटा सकता था। तो मैं सोचता हूँ व्हीकल उठाकर फिर जाएंगे, थोड़ा सा व्हीकल का कवर लेके मतलब सो जाऊँगा वहीं पे और वही करता हूँ मैं। अब यही चीज़ मुझे लगा था वही होता है, स्प्रे आता मेरे पे मैं डैमेज हो जाता हूँ लेकिन अब ये बंदा गाइस कवर ले लेता है, वहाँ पे स्मोक में चला जाता है जिस वजह से वो मेरा लोकेशन नहीं देख पाता है। अब लेफ्ट में जो कंपाउंड बंदा था ना वो बंदा मेरे को वहाँ से इजीली स्पॉट कर सकता था लेकिन गाइस उस बंदे का फोकस कहीं और भी था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर डालता हूँ बंदे पे ग्रेनेड वगैरह डाल के, तीनों की तीनों ग्रेनेड डाल देते इस बंदे पे। अब मुझे हेल्थ मारने का लाइक टाइम मिल चुका था, यहाँ पे हेल्थ डाल रहा फटाफट। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि स्मोक वाला बंदा निपटा है या फिर वो जो थर्ड बंदा था वो बंदे को मारा है, बट यहाँ पे एक बंदा मर चुका था तो यहाँ पे मेरे पे एक ग्रेनेड था, ये भी ट्राई करने की कोशिश करता हूँ लेकिन यार मुझे लगता है इसको अभी नहीं यूज़ करना चाहिए। मेरा थोड़ा पीछे फोकस रहता है क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि एग्जैक्ट वो बंदा निपट चुका है या फिर अभी भी अलाइव है, तो मुझे एक बार के लिए लगता है शायद वो बंदा मर चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा लेफ्ट साइड में जाता हूँ और ये जो कंपाउंड बंदा ना इस बंदे को थोड़ा दबाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ और कैंसिल करना पड़ जाता है क्योंकि जैसे देखता हूँ भाई जोन स्टार्ट हो चुका है, कोई मतलब नहीं था और ये बंदा भी निकलता है। तो यार एक स्प्रे लेता हूँ, अब ये बंदा निपट चुका था गाइस और उसके बाद में एक स्मोक देखता हूँ सामने साइड में हुआ था तो मुझे लगता है जहां तक ये सामने साइड जो स्टोन है बस इसी के पीछे बंदा होगा और ये जोन के अंदर था। अब मैं आउट ऑफ जोन था और जोन भी थोड़ा आगे साइड में था और स्मोक तक नहीं था तो मैं एकदम से अंधा निकल जाता हूँ भाई, जिगल उगल दे नहीं पाता क्योंकि पानी में एकदम से लॉक हो जाता मैं। देख स्प्रे आता सामने और यहाँ पे जैसे आईडीज खोलता तब तक तो भाई बंदे ने भर दिया था मुझे क्योंकि यार पानी में जैसे लाइक मूवमेंट आपकी बहुत स्लो हो जाती है पानी में और इसी चीज़ का भाई मतलब सामने वाले पे एडवांटेज ज़्यादा हो चुका था। फिलहाल यहाँ पे 20 प्लस मिलता है हैशटैग 2 पे। इस मैच के साथ साथ गाइस मेरा लीडर बोर्ड बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका था बट टॉप 100 के लिए बस मुझे कुछ ही पॉइंट्स और लग रहे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेने के बाद में अब मुझे लग रहा थोड़ा सा और प्लस निकालना पड़ जाएगा। फिलहाल गाइस कैसा लगा आज के गेम प्ले कमेंट्स में जरूर से बताना और यहाँ पर रैंक देख लो गाइस हो चुका है अपना 175। अब ये रैंक तो यहीं पे रुकने वाली नहीं है क्योंकि यार लोग है ना दबा के रैंक पुश कर रहे हैं, आप लोग भी रैंक पुश कर रहे हो तो कंटिन्यू रखना छोड़ना नहीं है। मोटिवेशन तो यार मैं दे ही रहा हूँ लाइव स्ट्रीम कर करके शाम के टाइम पे आ जाने एक बार फिर से। तो चैनल पे भी यार नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और यार वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं आज शाम की स्ट्रीम पे, तब तक के लिए मेरे तरफ से बाय बाय।